सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जिस तरह से कांग्रेस में नए अध्यक्ष पद के लिए नए चेहरे के लिए ढूंढा जा रहा है, हमारे साथ मिलिंद सर है, क्या कहना चाहेंगे इस राहुल गांधी को लेकर के काफी अचकने आ रही है और नए चेहरे की ढूंढने की कोशिश की? मेरा नया चेहरा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, राहुल जी हमारे नेता है, नेता रहेंगे और राहुल जी के नेतृत्व में हम 2024 में हमारी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस सिर्फ गांधी फैमिली ही एक साथ रख सकती है, कांग्रेस ही नहीं पूरे देश को एक साथ रख सकती है और ये सिर्फ गांधी फैमिली में ही है। आप देख रहे हैं आज देश का माहौल क्या चल रहा है, आज 30 साल से गांधी फैमिली सत्ता में नहीं है, इसलिए हुआ है। हम कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता राहुल जी को विनंती करेंगे, आप ये फैसला वापस ले लो, क्योंकि ये इलेक्शन का जो निकाल आया है वो निकाल है ना, वो ईवीएम से हुआ है, गड़बड़ी घोटाले से हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश था, उसके बावजूद वो जीत रहे हैं। आज ईवीएम का नाम निकालेंगे तो मोदी सरकार नहीं, पूरे की पूरे बीजेपी की नहीं, पूरे के पूरे आरएसएस की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उनका जानी उसमें ईवीएम में अटका है। ईवीएम मतलब बीजेपी, ईवीएम मतलब मोदी सरकार, तो जब तक ईवीएम है तब तक ऐसा चलेगा और राहुल गांधी जी अपना इस्तीफा वापस ले ले, इसलिए हम लोग जाके राहुल जी को मनाएंगे और हमारे हर छोटे छोटे कार्यकर्ता की इच्छा है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे और रहना चाहिए। लेकिन सर खड़से साहब का और अशोक गहलोत साहब का नाम आगे रखा जा रहा है तो उसपे क्या? ये तो मीडिया रख रही है, मीडिया रख रही है, पार्टी में कोई नहीं, पार्टी में एक ही लीडर है हमारे राहुल गांधी जी, कोई नहीं है, ये तो मीडिया, ये मोदी जी मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि क्या है मोदी आरएसएस बीजेपी को सिर्फ गांधी फैमिली से डर है, अगर गांधी फैमिली रहेंगी तो ही कांग्रेस मजबूत रहेगी और कांग्रेस मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा और ये देश तोड़ने वाले, आपने टाइम्स को पढ़ा ना क्या लिखा है, मोदी द डिवाइडर, रूलर ऑफ द डिवाइडर, मतलब देश तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सर कई जगह कांग्रेस खुद ईवीएम पे जीत के आई। ये देखो अभी कभी कभी क्या होता है, छुटपुट घटना कर देते हैं और बड़ी घटना को अंजाम देते, समझे यहाँ क्या किया है, मेजोरिटी कांग्रेस को दी है लेकिन बॉर्डर वाली ईवीएम से दी है वो, मतलब जब चाहे वो गवर्नमेंट गिराने की कोशिश करेंगे और आपने आपको इतनी बड़ी है, अरे बहुत सारे बीजेपी के लोग तो ये हो गए कोमा में गए, अभी तक जब से रिजल्ट लगा है ना बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर कोमा में हैं, वो सोच रहे अरे इतना बड़ा कैसा आ गया, इतना आक्रोश है सरकार के खिलाफ, इसके बावजूद इतनी आ गई है सीटें, तो बहुत सारे बीजेपी के लोग अभी भी कोमा में हैं कि भाई अपन इसमें से कैसे आएंगे, वो सदमे से बाहर नहीं आ रहे कि भाई ये कौन सा जादू चल दिया मोदी और अमित शाह ने, समझा, ये जादू ईवीएम का है और ये ईवीएम के जादू से ये सरकार बनी है। किसी भी तरह से आप कांग्रेस नहीं चाहती है कि राहुल गांधी जो है अपना पद छोड़े किसी भी कीमत? नहीं 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 नहीं, मैंने पहले ही बताया राहुल गांधी मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब देश, तो क्या हो गया, राहुल गांधी मतलब देश, बाकी कुछ नहीं, और राहुल गांधी रहेगा देश अखंड रहेगा और 5 साल ये गवर्नमेंट रहेगी, देखो आप कितने कितने ये होने वाले, ये सब संस्था ये लोगों ने तोड़ दिए हैं, जितने भी गवर्नमेंट संस्था है ये लोगों ने वाट लगा दिया इसका, इनका लोकशाही पे भरोसा नहीं है, ये डेमोक्रेटिक लोग नहीं है, ये आरएसएस बीजेपी जो लोग है ये डेमोक्रेटिक लोग नहीं है, तो इनको डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं है, इसलिए चोरी छल कपट से ईवीएम से जीती हुई सरकार है और ये चलेगी, बहुत जल्दी बड़े फैसले हो जाएंगे और राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे और छोटे से छोटे ग्रास रूट के कार्यकर्ता की इच्छा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष रहे, ये जो मीडिया अफवाह फैला रही है ना ये गलत है। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिलिंद खरांडे साहब जिसका साफ कहना है कि हम लोग का जो है कांग्रेस का जो है टोटली राहुल गांधी पे ही भरोसा है। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।